आपने अटेंड किया, किस तरह से आपको, क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे आईएएस ऑफिसर्स जो युवा अभी इस फील्ड में ज़्यादातर आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, आईएएस आईपीएस वगैरह सर्विस जो हैं उसमें अभी इतनी एंथुसियाज्म है आने के लिए, तो काफ़ी कुछ लोग ये परीक्षा लेते हैं, इसलिए तैयारी बहुत तीव्रता से करनी पड़ेगी। मगर सबसे भी अहम बात ये है कि एक मकसद से आना पड़ेगा आपको, मकसद सेवा होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के आपको कहीं और भी अच्छे नौकरियां मिल सकती हैं, अच्छा तनख्वाह मिल सकता है। तनख्वाह को ख्याल में रखते हुए इस यहाँ आएंगे तो बात बनेगी नहीं, यहाँ सर्विस माइंड से आना पड़ेगा। इसलिए तैयारी आप करते हैं तब इसका पूरा विचार करके करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं ले रहा हूँ ये ज़िंदगी भर की सेवा नहीं के पैसा बनाने की जगह, उस मेंटालिटी से आएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए आएंगे, आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। सर, पर आजकल देखा जाता है पैसा, नाम और शोहरत, इन्हीं तीन चीज़ों के बदौलत लोग ज़्यादातर इस फील्ड के प्रति आकर्षित होते हैं, तो आपको कहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है ये सब चीज़ें? मैंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे सोच से आते होंगे कि भाई इसमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, मगर मैं मानता हूँ ऐसी व्यक्तियों की संख्या बहुत, तादाद बहुत कम है। तो मगर जो लोग आते हैं उनको एक तो जानने की ज़रूरत है कि इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, सेवा के लिए आना पड़ेगा, इस विचार से आएंगे तो ज़रूर नाम मिलेगा, मिलेगा बाद में मिलेगा मगर मिलेगा, तो नाम के लिए आपको यहाँ कमी नहीं है, नाम मिलेगा आपको, सभी आपके बारे में जानेंगे, आपके कार्य को प्रशंसा करेंगे, मगर सेवा मान के आएंगे तो आपकी जो कारकिर्दी है, आपकी जो सर्विस पीरियड है, अच्छा गुजरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।